देशभर में इन दिनों बारिश का दौर जारी है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जहां गर्मी से लोग परेशान हैं, तो वहीं कई राज्य ऐसे हैं जहां बारिश से तबाही जैसा आलम है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश में भी बारिश का सिलसिला जारी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के कई राज्यों में आज भी मौसम विभाग ने बारिश के साथ तेज आंधी की संभावना जताई है। मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार पूर्वी उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जिलों में आज हल्की से मध्यम और भारी बारिश की संभावना जताई जा रही है। उत्तर प्रदेश के करीब 45 जिलों में आज बारिश की संभावना है। मौसम विभाग ने ऐसे में ज्यादा बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर जाने की सलाह दी है। बारिश का यह दौर बुधवार के साथ साथ गुरुवार को भी जारी रहेगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पिछले हफ्ते आफत की बारिश हुई थी, जिससे कि कई शहरों में जलभराव के साथ पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया था। अब अगले दो दिन भी मौसम को लेकर ध्यान रखना होगा। मौसम विभाग ने 45 से ज्यादा जिलों में तेज आंधी के साथ बारिश की संभावना जताई है। प्रयागराज, वाराणसी, गाजीपुर, आजमगढ़, गोरखपुर, गोंडा, सीतापुर से लेकर पीलीभीत, बरेली, बिजनौर तक मौसम खराब रहने की संभावना है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार राज्य के बाकी जिलों में मौसम पूरे दिन सामान्य रहेगा। वेस्ट यूपी की बात करें तो यहां पर पूरे दिन साफ मौसम रहेगा और कई जगहों पर तापमान में थोड़ी वृद्धि देखी जा सकती है। झांसी, महोबा, हमीरपुर, जालौन से लेकर सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ तक मौसम साफ रहने के आसार हैं। जिन जगहों पर बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है, उन जिलों में लोगों से अपील की है कि बारिश के वक्त सुरक्षित स्थानों पर ही रहें और तेज आंधी और बिजली चमकने के वक्त किसी सुरक्षित स्थान का आश्रय लें। विभाग ने बिजली चमकने की स्थिति में लोगों से किसी भी पेड़ के नीचे खड़े होने की सलाह नहीं दी है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में गुरुवार को भी बारिश जारी रहेगी और आकाशीय बिजली का खतरा बना रहेगा। देशभर में बदलते मौसम को लेकर आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूले। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ नेशन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। धन्यवाद।